तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट यू गेट। लगता है कि आप किसी रॉयल जगह पे हो। आई डोंट थिंक कि ये वॉलपेपर। सो ये इस तरह से स्विमिंग पूल दिखता है। आई होप आपको काफी कुछ आइडिया आया होगा। स्वागत है आपका और एक नए व्लॉग में, या ये कहूँ कि और एक ट्रैवल सीरीज में। एंड दिस टाइम अराउंड हम घूमेंगे द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर इन राजस्थान। टू सेट द प्रीमाइस, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो एंड इफ़ यू आर एंटिसिपेटिंग ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट्स, देन तहे दिल से माफ़ी, बिकॉज आई डिड नॉट कैरी ड्रोन इन दिस पर्टिकुलर ट्रिप। बिकॉज बिफोर द ट्रिप आई रेड ऑन द इंटरनेट के मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल साइट्स पे ड्रोन उड़ाना इज नॉट अलाउड। नेवरदलेस आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट एंड हवा महल फ्रॉम द इनसाइड। बिकॉज दो दिन में आप पूरा जयपुर नहीं घूम सकते और हम यहाँ 3 दिनों के लिए थे एंड इफेक्टिवली हम लोग 2.5 दिन ही घूम पाए। यह है हमारा प्लेन जो हमें मुंबई से यहाँ लेके आया। यह है बस जो लेके जाएगी रनवे से टर्मिनल तक। एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा नहीं है सो आप क्विकली बाहर आ जाते हो। बाहर आपको कई टैक्सीज मिलेंगी फॉर द मेन सिटी। मेन रोड वॉकेबल डिस्टेंस पे है, आप वहाँ से उबर या ओला कर सकते हो। क्यों आपको बाहर आना है वो इसलिए। सो फाइनली वी हैव रीच्ड जयपुर एंड दिस इज आवर राइड। हमने एयरपोर्ट से बाहर निकल के उबर ही बुक की थी। रोड्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आएंगे। आपको एक टिप है कि आप अगर उबर बुक कर रहे हैं तो आप एग्जिट गेट से थोड़ा ही चल के बाहर आ जाइए रास्ते पे, सो दैट यू कैन सेव एटलीस्ट 80 रुपीज़, बिकॉज दे आर चार्जिंग 80 रुपीज़ राइट नाउ इफ़ यू आस्क उबर ड्राइवर्स टू एंटर दी प्रीमाइसेस। सो दैट्स हाउ इट इज़। अभी अभी हमें पता चला है कि पहले ऐसे नहीं था, बट सिंस ने टुक ओवर दिस हैज बीन स्टार्टेड। बट चलो कोई नहीं, अभी क्या कर सकते हैं। ये है इलेक्ट्रिक रिक्शा। वेलकम टू द रूम टूर। और ये है आपका ब्यूटीफुल हेरिटेज होटल। तो अगर आप नोटिस करोगे कि जैसे ही आप एंटर करते हो होटल में, आपको ऐसे पेंटिंग्स और फिर ऐसे हिस्टोरिकल फ़ोटोज़ हर वॉल पे दिखेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छा कि आपको जो सीलिंग है इस होटल का, ऑलमोस्ट एवरी सीलिंग इज़ पेंटेड लाइक दिस। तो एक जो हेरिटेज वाला एक रॉयल फील जो रहता है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। सो एज यू कैन सी ये सारे फोटोज़ वगैरह हैं। और एंट्री करते वक्त महाराज जी है और उनका हाथी। सो दिस इज़ काइंड ऑफ हेरिटेज रूम। तो यहाँ पे कोई बेल वगैरह नहीं है। सो और ये डोर हैंडल्स और नॉब एकदम क्या बोलते हैं उसको, एंटिक फीलिंग वाला। सो व्हेन यू एंटर द रूम दिस इज़ व्हाट यू गेट। और गुड इनफ स्पेस, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है रूम और ज़्यादा छोटा भी नहीं है रूम, बट द वाइब दैट इट क्रिएट्स इज़ अमेजिंग। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट यू गेट। सो ऑफ कोर्स ये रैक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आई ऑलवेज से। उसके बाद आपके पास 2 चेयर्स है, आराम खुर्ची मराठी में जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे वॉल पे कुछ फोटोज़ है। यू गेट एसी
और यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन है वो कुछ इस प्रकार का है। इनफैक्ट फैन भी देखो आप, एकदम मतलब जो नॉर्मल होटल्स में जो क्या बोलते हैं सीलिंग्स एलईडीज वगैरह वैसा कुछ नहीं है। सो एकदम अलग ही वाइब आता है इसका। आपको मिलता है एक ड्रेसिंग टेबल और यहाँ पे अंदर लॉकर है और ये कुछ स्टोरेज स्पेसेस। ये रहे हमारे हेलमेट्स और ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है अगर आप देखोगे। आई डोंट थिंक कि ये वॉलपेपर है बट आई एम नॉट श्योर। अगर ये पेंटिंग है तो अमेजिंग सुपर। ये कुछ अलग ही फील करवाता है रूम को, ऐसे लगता है कि आप किसी रॉयल जगह पे हो। और फर्नीचर भी उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो इफ़ यू कैन सी ऐसा बेड भी मैं तो किसी होटल में आज तक नहीं गया जहाँ पे ऐसा बेड हो। एंड देन यू गेट योर टेबल, टेबल लैम्प आपका, इसके अंदर फ्रीज़र है। ये टीवी काफ़ी छोटा है बट गुड इनफ अगर आप, लेकिन सीटिंग पोजीशन थोड़ा ऑकवर्ड है आपको यहाँ पे बैठ के, आई डोंट थिंक, पर वहाँ से बैठोगे तो काफ़ी छोटा लगता है बट यहाँ से ठीक दिखता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं बिग बॉस और आपको मिलता है टी मेकर, आपको मिलता है टेबल लैम्प, बोथ साइड्स ऑफ द बेड और पर्दे वगैरह का भी लुक देखना, एकदम सुपर दिया हुआ है। तो ये कुछ विंडो का स्ट्रक्चर, एकदम रॉयल वाला। जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान के महल या फिर जो फोर्ट्स रहते हैं वहाँ पे इस तरह का विंडोज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और ये है हमारा बालकनी, यहाँ पे दो लोग बैठ के अच्छे से चाय वगैरह सब इन्जॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे ही होटल के बाहर सारे कैब वाले वगैरह आपको मिल जाएंगे। ये काफ़ी फेमस होटल है यहाँ पे। ये उसका एंट्रेंस है, यहाँ से आप एंट्री करते हो। आते ही हम लोग ने चेक इन करते ही यहाँ पे चाय एंजॉय की थी। मस्त लगता है एकदम रॉयल वाला, देखो आप यहाँ पे सुपर्ब। और यहाँ पे आपका है स्विमिंग पूल, वापस रूम में एंट्री। और यहाँ पे बाथरूम को भी पर्दे दिए हुए हैं, तो लेट्स सी बाथरूम कैसे हैं। यहाँ पे भी एकदम रॉयल वाला फीलिंग आ रहा है। स्टोरेज गीजर, हमेशा पानी गर्म ही आता है फटाक से। हॉट एंड कोल्ड वाटर, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। लैंप्स कुछ इस तरह से हैं और ये हल्का सा कलरफुल विंडो। हॉट एंड कोल्ड वाटर यहाँ पे भी, विच इज़ वेरी गुड। सो दैट वाज अबाउट द स्मॉल रूम टूर। और ये मैं थोड़ा ये साइड आया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ स्विमिंग पूल कैसे दिखता है। सो ये इस तरह से स्विमिंग पूल दिखता है। मोस्टली बहुत सारे रूम्स के बाहर यहाँ पे आपको ये सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगा, विच इज़ वेरी नाइस। और यहाँ से ये कुछ इस तरह से दिखता है। वहाँ पे टॉप वाले फ्लोर पे टेंपल है और ये उनका गार्डन। Alright, so we have gone for our breakfast and this is the breakfast spread that they have. पोहा मस्त सजाया हुआ है। हाँ, भाजी थी। Then you have चटनी, you have boiled eggs. So this is the omelette that we have ordered. पोहा अभी अभी ख़त्म किया है। This is how it looks. ऐसे लग रहा है किसी हवेली में बैठ के हम लोग लंच कर रहे हैं। ज़्यादा लाउड वॉइस में नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे लोग हैं। लोकल लाइटिंग और ये सीलिंग वाला डिज़ाइन ज़बरदस्त है। और ये पर्दे, एकदम हवेली वाला फीलिंग है। आपको लगेगा आप किसी राजमहल में खा रहे हो। काफ़ी लोगों ने चेकआउट किया है बिकॉज टुडे इज़ मंडे। होटल थोड़ा खाली लग रहा है सुबह सुबह, लेकिन काफ़ी प्लेजेंट मौसम है। हवा में हल्का सा ठंडी है
और सुबह का धूप काफ़ी अच्छा लग रहा है, अर्ली मॉर्निंग काफ़ी प्लेजेंट है, सुपर लग रहा है। और ब्रेकफास्ट आइटम्स तो बहुत हैं इनके पास, मज़ा ही आ जाता है। ऑफकोर्स फॉरेनर्स यहाँ पे रुकते हैं तो इनको वैसा सर्विस तो देना ही पड़ेगा। तो ये है इनका रूफ टॉप रेस्टोरेंट, अभी तो काफ़ी लेट हुआ है, लोग नहीं है, पर काफ़ी बढ़िया सीटिंग अरेंजमेंट है। और यहाँ से वो लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि कल वहाँ पे बैठे। बट एनीवेज सेटअप काफ़ी बढ़िया है, और अभी हल्का हल्का ठंडी है। और हमने मंगाया है लाल मांस और ये चपाती, फुलका चपाती काफ़ी टेस्टी है। इनके यहाँ पे भी रूम्स है, यहाँ पे भी रूम्स है, और एक छोटा सा मंदिर है। अभी तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा, जस्ट ब्रेकफास्ट किया है, नहाया नहीं है। वाव, कल हम वहाँ बैठे थे खाने के लिए। दिस इज द ब्यूटिफुल लॉबी, और आज हम इस होटल को गुड बाय बोलेंगे, आज यानी कल रात को 2 बजे के आसपास। सच ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी, मज़ा ही आ गया यहाँ पे। सो दैट वॉज अबाउट द रूम टूर, और आई होप आपको काफ़ी कुछ आइडिया आया होगा इस रूम टूर से। होपफुली दिस हेल्प्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।